जैसा कि आपको मैंने बताया था, शामपुर में उपस्थित हैं और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं मेला समिति के। सुल्तान साहब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जी, हम लोग पूर्वज से मनाते आ रहे हैं और जो आज 47वां साल मनाते। नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। इस वक्त हम उपस्थित हैं बिहार के भागलपुर जिला को, तो आप जानते होंगे, और उसी का एक छोटा सा प्रखंड है पीरपैंती। पीरपैंती का एक शामपुर जगह है जो कि यहां पर कव्वाली प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है और कुछ दिन ही पहले ईद संपन्न हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में हो सकता है मनाया जाता होगा, लेकिन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है। यहाँ के कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और हमारे पीछे जो ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मेला की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और पिछले बार भी मैंने आप लोगों को दिखाया था इस चीज़ को, किस तरीके से यहाँ कव्वाली होती है और कितने लोग यहाँ आते हैं। अभी जैसा कि नज़ारा देख सकते हैं, आगे जो स्टेज आप देख रहे हैं कैमरे में हमारे स्क्रीन पर, ये वही स्टेज है, पिछले साल जुनैद सुल्तानी जी आए थे और यहाँ पर काफ़ी लाखों की संख्या में भीड़ आ जाती है और अभी खाली खाली सा दिख रहा होगा। मेला का नज़ारा हम दिखाएंगे, नीचे जाएंगे, और इससे पहले हम चाहेंगे कि कैमरामैन आप इस मज़ार को दिखाइए, इस चीज़ को दिखाएंगे और यहाँ की जो वास्तविकता है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जितने भी मज़ार में हैं और जो इसके बारे में जानकारी देंगे उससे संबंधित हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आइए, हमारे खबरों में बने रहिए। जैसा कि देख सकते हैं ये मज़ार है, यहाँ पर यहाँ के जितने भी पीरपैंती क्षेत्र के हो या दूर दूर के हो, यहाँ पर चादर पोसी के लिए आते हैं, चढ़ाते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है ऐसा माना जाता है और वास्तव में होता है ऐसा। उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए यहाँ पर जो भी आएंगे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इस मज़ार को दिखाएँगे। इससे पहले ये जगह देख लीजिए जहाँ पर ये कव्वाली होती है। जो इस चीज़ से अनभिज्ञ है, जो नहीं जानते हैं कि शामपुर में किस तरीके से कव्वाली होती है, वो जगह कौन सा है, ये वही जगह है। सबसे नीचे जो देख रहे हैं ये स्टेज है, स्टेज के बीचों बीच जो ये पिलर देख रहे हैं, दोनों साइड दोनों कलाकार बैठते हैं और इस जगह कव्वाली होती है और यहाँ पर दर्शक बैठते हैं और दर्शक दूर दूर से देखते हैं। इधर भी दिखाएंगे, ये जो खजूर का पेड़ दिख रहा है और बाजा देख रहे हैं, ये ऊपर से एक तरह से माना जाए तो इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर सुविधा नहीं होते हुए भी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये अनोखा चीज़। और आप दर्शकों को ये भी बता दूँ कि यहाँ पीरपैंती में हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े कव्वाल हैं वो यहाँ आते हैं, उनको बुलाया जाता है। सिर्फ आपकी फरमाइश होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से कव्वाल को लाना है। तो इस बार जो कव्वाल आ रहे हैं उसके बारे में तो जानकारी नहीं है और यहाँ के स्थानीय लोगों से पता करने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ के लोग अभी उपस्थित नहीं है, जो हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। पहले इस मज़ार को दिखाएंगे। यही वो स्थान है जो कि लोगों की मुरादें पूरी करते हैं और दूर दूर से इस चीज़ को एक्सेप्ट भी लोग करते हैं और चादर पोसी के लिए आते हैं, चादर चढ़ाते हैं। और एक बंधु हमारे साथ जुड़ेंगे और जो कि चादर पोसी के लिए आए हैं, इनकी क्या मनोकामना पूर्ण हुई है इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, आप खड़े हो जाइए। आप यहाँ किस लिए आए हैं? चादर चढ़ाने के। क्या आप क्या मन में रखे थे, क्या आपकी इच्छा पूर्ति हुई है? जो कि मेरा मन था कि घर में कोई कुछ प्रॉब्लम था जी, वजह से उसकी प्रॉब्लम पूरा हो गया, इसलिए हम चादर चढ़ाने आए। अच्छा, कितना दिन में पूरा हो गया? लगभग साल भर लग गया। साल भर में पूरा हो गया? सिर्फ यहाँ से बोल के गए थे कि हमारे घर के? मन में सोचे थे, बोल यहाँ से आए नहीं थे, मन में सोचे थे कि आना है और चढ़ाना है। अच्छा अच्छा, मन में सोचे थे कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, सोचे थे कि अगले बार इसी चीज को सोचे थे कि जाना है मजार पे, चढ़ा गया। इसी बीच आपका काम पूर्ण हो गया? इसी बीच काम पूर्ण हो गया, घर का फैमिली का मैटर। ये है आस्था, आप जिस चीज पर आस्था रख, बस आपके मन में विश्वास होनी चाहिए कि आप कितने विश्वास के साथ, कितने श्रद्धा के साथ किसी को पूजते हैं या मानते हैं, क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जिनको विश्वास नहीं, उसको क्या कहना चाहेंगे? को विश्वास है तो वो आता ही है, देखते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ लगता है यहाँ जी। अभी तो खाली खाली सा दिख रहा है, लेकिन समय होते ही यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ जाएंगे। हाँ, है ना, एकदम। तो अभी बात करने के लिए ये भाई साहब थे, बाकी यहाँ के कमेटी मेंबर जो भी आएंगे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और इनके बारे में संपूर्ण जानकारी भी देंगे। तब तक हमारे खबरों में आप बने रहिए।
जैसा कि आपको मैंने बताया था, शामपुर में उपस्थित हैं और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं मेला समिति के, मैं उनसे बात करने वाला हूँ और इनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि आज के कव्वाल कौन रहेंगे। पिछले साल तो जुनैद सुल्तानी जी आए थे और आज के कव्वाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीछे तस्वीर के माध्यम से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? सैयद सुल्तान साहब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जी हम लोग पूर्वज से मनाते आ रहे हैं और जो आज 47वां साल मना रहे हैं। अच्छा अच्छा। और बड़ी धूमधाम के साथ, और यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए बिहार समेत और कई जिले झारखंड के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं बाबा की जियारत के लिए। जी, सुनने में आया है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े कव्वाल आते हैं। जो भी हम लोग कव्वाल किए हैं, नई दिल्ली का गुलाम वारिस, जी जी जी, फहीम गुलाम वारिस नई दिल्ली जी, और दूसरा कव्वाल सुल्तान साबरी वो भी नई दिल्ली जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका तस्वीर लगा हुआ है, गुलाम वारिस का और सुल्तान साबरी। आज के रात ये दोनों आएंगे? दोनों आएंगे। अभी वो उपस्थित हैं या फिर वो रास्ते में है, एक आध डेढ़ घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे। कितने बजे से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे आप? कार्यक्रम वह 8 बजे शुरू हो जाएगा। 8 बजे शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जानी है और यहाँ लाखों लाख की संख्या में लोग आते हैं और इस कव्वाली का आनंद लेते हैं। और भी विशेष आपको बताने का प्रयास करेंगे और उस कव्वाली को दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि उस भीड़ को आप देखकर उस कव्वाली का पता लगा सकते हैं कि कितने लोग इस कव्वाली को देखने के लिए आते हैं। कहां कहां से आते होंगे लगभग? भागलपुर, आपका बांका, आपका कटिहार, सुल्तानगंज, मतलब आसपास के जिले के सभी लोग ही जाते हैं लगभग देखने के लिए। जी, आपका कलकत्ता से बहुत लोग आते हैं इस कव्वाली को देखने के लिए। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस कव्वाली के बारे में? दर्शकों को यही कहना चाहते हैं, हम लोग सब मिलकर जैसे उर्स पाक सब दिन मनाते रहे, आज भी सब मिलकर मनावे और कोई तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, सबके ऊपर जिम्मेदारी है। जी, चलिए, इतना कीमती वक्त देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और भी गाँव के लोग हैं यहाँ, देख सकते हैं सभी में एक अलग उत्साह है, कव्वाली को लेकर सभी सजग हैं और इस कव्वाली को अगर जहाँ से भी आप देख रहे हैं तो इस कव्वाली का एक बार आप लोग भी आनंद लें। बाकी हमारी खबरों में बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए केवल भारत। जय हिंद।